देखिए, कई बार नौकरी और कारोबार में भी परेशानी आती है, तो पंडित जी उन मुश्किलों को दूर करने के लिए आपने दीप दान का महत्व बताया। तो किसी की मुश्किलें आ रही हैं, कई बार कारोबार अच्छा नहीं चलता, नौकरी में परेशानी आती है, ये महीना बहुत पवित्र है, आप उन लोगों के लिए बताएं कि कैसे दीप दान करें, कैसे महत्व होगा। अंजलि, जो लोग अभाव का दंश झेल रहे हैं जी, जिनके जिंदगी में अभाव है, जिनकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, जो पैसे पैसे के लिए परेशान हैं, उनके मन में भी एक आशा की किरण है कि दिवाली आने वाली है, हम दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करेंगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। ये उन लोगों के भी मन में भरोसा है और गिन गिन करके दिवाली का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के दिन जो भी व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, महालक्ष्मी उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है और इस लायक तो बना ही देती हैं कि अपना भरण पोषण करने लायक हो जाए। बाकी तो देखिए, आपके पुण्य, जैसे आपके पुण्य होंगे वैसे आपको फल मिलेगा। तो कार्तिक मास में शुक्रवार को घर में दीपक जलाने से पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं, फिजूल खर्ची रुकती है, बिजनेस में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, किसी महिला के कारण परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो भी शुक्रवार को दीपक जलाने से दूर होगी। कार्तिक मास में शनिवार को घर में दीपक जलाने से नजर दोष और राहु के दोष से मुक्ति मिलती है, नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें दूर होंगी। शनिवार को दीपक जलाने से आयु भी लंबी होती है। कार्तिक मास में रविवार को दीपक जलाने से सभी परेशानियां दूर होंगी। पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी।